चीजें शेयर करना चाहता हूं और आखिर क्यों वो इतने महान हैं। देखिए, उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो कि नई हो, बस उन्होंने उन्हीं बातों को नए तरीके से कहा। बहुत बड़े साइंटिस्ट निकोला टेस्ला का अगर आपने नाम सुना होगा, जब वो शिकागो में गए स्वामी विवेकानंद और अपना स्पीच दिए, इसके बाद निकोला टेस्ला जिन्होंने एसी जनरेटर की खोज की, जो थॉमस एडिसन के साथ काम किए थे, उनसे साइंस के बारे में स्वामी विवेकानंद बात करते हैं। बहस होती है किस पे, कि एनर्जी पे और मैटर पे क्या कनेक्शन है। निकोला टेस्ला उस पे काम करते हैं स्वामी विवेकानंद के उस पॉइंट पे, और कुछ दिनों में वो खत्म हो जाते हैं। तो इसमें फिर अल्बर्ट आइंस्टीन E=mc², जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो खोज करते हैं। वो उसका जो सोर्स है वो स्वामी विवेकानंद जी जो वेदों से लाए थे, वो वही है। बहुत ज्ञान पड़ा हुआ है वहां, जहां हम जाते ही नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद को मात्र वेदों उपनिषदों के रूप में ना देखा जाए, उनसे सीखा जाए, कुछ साइंटिफिक बातें की जाए। रिलीजन और रीजन दोनों थे उनके साथ। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं कि उनके रीजन कितने तगड़े थे। हुआ ये कि एक जयपुर में राजा थे, उनके यहां वो बुलाए गए और राजा उनसे बोलते हैं कि स्वामी जी, मेरा मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा, मूर्ति पूजा में मेरा कोई विश्वास नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद कुछ देर सोचते रहते हैं और इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी जो बोलते हैं, सभी को ध्यान से सुनिएगा। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, ये आपके पिता की मूर्ति है, इसको नीचे फेंकिए, इसको पांव से इसको टक्कर मारिए और इसमें थूकिए। तो वो बोलते हैं कि अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो स्वामी विवेकानंद बोलते, क्यों नहीं कर सकते, आपने तो अभी बोला कि मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता, तो फिर आप अपने पिता की मूर्ति में क्यों लात नहीं मार सकते। इसका मतलब है कि आप मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। दैट इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रीजन और रिलीजन दोनों की बात की। बहुत अच्छी विचारधारा, आप उनको पढ़िए, अपने जीवन में लाइए। और उनकी जो विचारधारा थी कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी कोई एक ही जगह मिले जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ सिद्धार्थ भैया और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शुक्रिया भाई मानशु तिवारी। जय गुरुदेव सिंह।